नमस्कार दोस्तों, निपना में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी सिरका। सिरका जामुन का भी होता है और गन्ने का भी सिरका होता है। इस तरह का सिरका ये गन्ने का सिरका होता है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, तो आपने मूली का अचार तो आपने सुना ही होगा, खूब बनाते हैं। मूली का अचार हो गया, हरी मिर्च का अचार होता है। आज मैं बताऊंगी सिरके में आप ये मूली को डाल सकते हैं। तो मूली को आप जब सिरके में डालेंगे तो देखो इस तरह का इसका कलर हो जाएगा, तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इसमें हम आपके सामने ही डाल रहे हैं, ये इसमें हमने सिरका डाल दिया। ये सब जानते हैं कि ये कैसे बनता है, और किसी किसी को नहीं आता तो वो इस पे से देख के सीख सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें हम ग्रीन चिल्ली भी डाल देंगे, और इसमें जो है ये सेंधा नमक है दोस्तों, सेंधा नमक भी हमने डाल दिया है। तो ये हम ये इस तरह से रख देंगे और ये दूसरे दिन खाने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें क्या है, कच्चा पपीता भी डालते हैं। तो ये मैंने पपीता पहले ही डाल के रख दिया था, तो ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मूली इस तरह की हो जाएगी, तो ये इस तरह के आपका कलर चेंज हो जाएगा, तो ये आप इसको खा सकते हैं। तो ये आपके पेट के रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। और ये गन्ने का सिरका होता है, ये जो है हमने डाला है इसमें, ये गन्ने का सिरका होता है। ये गाँव में बहुत मिलता है सिरका, सभी के घर में होता है, सभी सर्दियों में ये वाली जो है सिरके का मूली डाल के सब खाते हैं। दूसरा क्या है, सिरके को पका के जिस तरह से ये आम का मीठा अचार बनाया जाता है, उस तरह से मूली का भी इसका मीठा अचार बनाया जाता है। तो ये गन्ने का जो है सिरका होता है। तो दोस्तों ये बहुत पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, और इसमें हमने कच्चा पपीता डाला था, तो इसका कलर इस तरह का हो जाता है। तो आप ये खाएंगे तो आपके पेट के जो रोग है वो बहुत ही ठीक हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और मेरे पास यही जानकारी थी। और सिरके से क्या है, लेडीज के लिए बहुत फायदा होता है, तो मासिक धर्म में भी ये बहुत फायदेमंद है। तो आप इसको खाइए और इसके फायदे उठाइए, और मैं आपको ऐसी नई नई जानकारी देती रहूंगी। और काफी लोगों को तो ये पता ही होगा, गन्ने का जो सिरका होता है शुगर केन का, हाँ जी वो ये सिरका विनेगर बोलते हैं उसको। तो दोस्तों अब तुम्हें आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये सिरका है। तो आप इसको अपने घर में लेके आइए, सिरके को घर जाए तो वहां से ले आए गाँव से, और इसमें डाल के इस तरह से खा सकते हैं। और देखिए ये इस तरह का होगा, तो आपकी जो पेट की बीमारियां हैं, आपके मासिक धर्म की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएंगे। और गर्भवती महिलाएं इसको ना खाएं, सिरके को नहीं खाना चाहिए। सिरके का क्या है, जैसे हम अचार बनाते हैं और वो हमारा अचार खराब होने लगता है, तो आप एक चम्मच सिरका उसमें, इसमें से मैंने कहा एक चम्मच सिरका जो है आप उस अचार के, आम के अचार के ऊपर, या आमले का जैसे हमने अभी अचार बताया था, तो इसके ऊपर ऐसे करके आप डाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये खराब नहीं होगा ऊपर से, और फफूंदी भी इसमें नहीं आएगी। तो थैंक यू दोस्तों, ये मेरे आने आपको छोटी सी जानकारी दी है। तो आपको नहीं पता है तो आप इसका लाभ उठाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके लाभ उठाइए। थैंक यू।